ये देखो शीशे में है लाइट। हाय फ्रेंड्स, आज मैं आपको दिखाऊंगी कि कैसे मेरी भाभी ने हमारे सालों पुराने छोटे से 2 BHK फ्लैट को रीडिजाइन करके उसे एक मॉडर्न कंटेम्प्रेरी लुक एंड फील दिया है विद ऑल द लेटेस्ट एमिनिटीज। व्हाट? सेंसर बेस्ड चिमनी, वाओ। आपकी बहू ने अच्छा काम किया है? यस। चलो सुपर्ब। So, let's begin. Hi guys, welcome to Garima's Good Life. आज मैं कराने वाली हूँ आप लोगों को अपना दिल्ली हाउस टूर। हमारा जो ये घर है ना, उसे मेरी भाभी ने स्क्रैच से रेनोवेट किया है। So, let me show you around. Come on in. घुसते ही सबसे पहले ना आपको सबसे मॉडर्न चीज दिखाती हूँ। ये देख रहे हो भाई साहब, ये मच्छरदानी है दरवाजे पे मच्छरों को अंदर आने से रोकने के लिए, लेकिन हम अंदर जाएंगे। दिस इज द ड्रॉइंग रूम, टाडा, दिस इज सरबी। हाय। अरे भाई, इतने टाइम से बोल रहे, जब से शादी हुई है उसके बाद से आपने अपनी भाभी से मिलवाया ही नहीं है, सो प्लीज सबको हाय बोल दो। हाय। सो फ्रेंड्स, Surbhi is an interior designer and you've been doing this for how many years? 10 years, more than that. Yeah. Almost 10 years. Yes. Oh my God, जब मैं यहाँ पर आई ना, मुझे लगा ही नहीं कि ये हमारा घर है, because पहले हमारा ड्रॉइंग रूम इतना ड्राई, बेसिक, बोरिंग सा हुआ करता था, यहाँ पे कोई आके बैठता भी नहीं था, but now, सॉरी मैंने सुरभि के तकिए खराब कर दिए। कुशन्स, तकिए नहीं, कैसे लगाते हैं यार, इसका ना बहुत फेटिश है। जब भी आप हमारे घर पे आओगे, आपको सारे के सारे कुशन्स एकदम अच्छे से प्रिम एंड प्रॉपर तरीके से सेट मिलेंगे। सुरभि की खास बात यह है कि ये ऐसी ऐसी चीजें, नायाब चीजें ढूंढ के लेकर आती है ना, शी हैज एन आई फॉर सच अमेजिंग पीसेस। और ये जो चेयर्स है ना भाई, ये राजा महाराजा वाली कुर्सियां मुझे बहुत पसंद है, एंड आई थिंक ये मम्मी पापा के लिए बनी है, क्योंकि रोज सुबह पापा यहाँ पे बैठते हैं। ये रहा उनका न्यूज़पेपर स्टैंड, पेपर पढ़ रहे होते हैं, उसके बाद मेरे साथ दोनों फेस टाइम करते हैं। और ये जो प्यारा सा यहाँ पे कॉर्नर है, ये क्या है? So this is just the quirky sort of chairs which we put along with it. हाँ, ज़्यादा लोग आ जाए अगर घर में बैठने के लिए तो ये उसके लिए जुगाड़ है, but बहुत ही seamlessly I think ये सारी चीजें जो हैं blend कर रही हैं। कैसा लगा आप लोगों को हमारा drawing room? मुझे नीचे comments में बताना। चलो अब हम चलते हैं आगे dining area की तरफ। So फ्रेंड्स, आपको पता है ये पहले ना हमारा स्टोर रूम हुआ करता था, लाइक लिटरली स्टोर रूम। सुरभि इधर आओ, बताओ तुमने कितना दिमाग लगाया इस स्पेस को रीडिजाइन करने में। ओ माय गॉड, अगेन आई कांट बिलीव इट कि ये रूम जो एकदम वेस्ट पड़ा रहता था पहले हमारे घर में, वो ऐसे ट्रांसफॉर्म हो गया है। सो हियर वी हैव अ क्रॉकरी यूनिट, अलोंग विद दैट वी हैव क्रिएटेड मंदिर एरिया विद सम स्टोरेज अगेन, and then we have a dining set with nice couch and 2 chairs too, and this is like a lounger too, we can pull out and relax on this. Basically we have sofa cum bed hai na ye, thoda normal language mein bhi bata de logon ko, sofa cum bed hai. I love this concept. Ha matlab agar ghar mein koi extra guest aa jaye to this doubles up as a space jahan pe hum guest ko ruka sakte hain, because ye wala jo sofa aap dekh rahe ho na, ye pura aise khul jata hai, bas table thodi si side mein karni padti hai, and we are good to sleep here in this room. So friends, ab hum aa gaye hain hamare is open area mein jahan pe mummy ka raj chalta hai. Ye hai inki किचन, हाय कर दो सबको। किचन पे मैं बाद में आऊंगी, इधर आप लोगों को पहले दिखा देती हूँ। ये देखो, ये मम्मी पापा का रूम है, ये भी आप लोगों को दिखाती हूँ, ये एक और वॉशरूम है। लेकिन इस घर में जो मेरा फेवरेट पार्ट है ना, वो है इनका वॉशरूम। रूम भी अच्छा है, पता नहीं मेरा भाई क्या कर रहा होगा। हाय, क्या कर रहा है भाई? जब से मैं आई हूँ ना यहाँ पे, मैं इतनी अमेजिंग हॉट शावर्स ले रही हूँ। ये देखो, ऊपर रेन शावर है, यहाँ पे ये हैंड शावर है, देन ये जो पैनल है ना जहाँ पे लाइट जलती है, ओ हो,
और आपको एक राज की बात बताऊं, मुझे ना अपनी भाभी की टॉयलेटरीज यूज करने में बड़ा मजा आता है। आप लोग भी ऐसा करते हो ना, किसी और के घर जाते हो तो वहां पे टॉयलेटरीज यूज करते हो, स्पेशली उसकी ये नई वाली रेंज। ये देखो गाइज, ऑस्ट्रेलियन रेंज है ये, ऑस्ट्रेलियन रेंज। लेट मी टेल यू अबाउट दिस हाइड्रा क्लेंजर बाय डर्मा वाइव। यार ये इतना अमेजिंग ओट मील क्लेंजर है और ये ना पीएच बैलेंस्ड है। इस वेदर में भी मेरी स्किन को इतने अच्छे से ये हाइड्रेटेड रख रहा है। माई स्किन इज सेंसिटिव, सुरभि की स्किन भी सेंसिटिव है, इसीलिए वो ये यूज करती है। आई एम लविंग इट। इसके बाद मैं लगाती हूं ये न्यूट्रीडर्म का मॉइस्चराइजिंग वाइटामिन ई लोशन, जो कि बहुत ही सॉफ्ट और नॉन ग्रीजी है। इट्स रियली जेंटल ऑन माई स्किन, स्पेशली मेकअप के नीचे। मैं तो इसे एज अ प्राइमर भी यूज कर रही हूँ, ये इतना नरिशिंग है। एंड द लास्ट थिंग दैट शी हैड वॉज दिस डर्मा वाइव का मॉइस्चराइजिंग लोशन, विच इज लाइक अ बॉडी लोशन। ये लोशन डेली यूज के लिए तो बेस्ट है ही, बट इट वर्क्स लाइक मैजिक ऑन सुपर सेंसिटिव स्किन, स्पेशली आफ्टर थ्रेडिंग, शेविंग, वैक्सिंग। तो मुझे तो ना इसे यूज करके बहुत मजा आ रहा है। आप लोगों को पता है विंटर्स में स्किन जो है कितनी रफ हो जाती है ना, एंड स्पेशली मैं जब दिल्ली आती हूँ मुझे तो बहुत डर लगता है कि मेरी स्किन खराब हो जाएगी। बट आफ्टर यूजिंग दिस आई एम लविंग माई स्मूथ एंड सिल्की स्किन इन दिल्ली विंटर्स फॉर द फर्स्ट टाइम एवर। तो व्हाट से ये सारे प्रोडक्ट्स जो है ना अपने साथ मुंबई ले जाओ, यार खुद के लिए मंगवा लूंगी। आप लोगों को भी अगर ये रेंज पसंद आई ना, आप भी ऑर्डर कर सकते हो, मैं नीचे लिंक जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में छोड़ दूंगी। ऑलराइट, और अब बाथरूम से बाहर निकलते हैं और राघव और सुरभि के रूम को थोड़ा और एक्सप्लोर करते हैं। यस, सो टेल अस अबाउट योर रूम राघव। इट्स अ ब्यूटीफुल रूम, व्हाट डू आई से, हर चीज। मेरा फेवरेट कलर ग्रे, as you can see a touch of gray everywhere, mm-hmm. on every wall, very airy breezy, and I love erica palms. Why tv kahan gaya yahan se? TV's gone. Oh my god, huh? More me time. Yes. यार मुझे ये अल्मिराज बहुत पसंद है, इनमें लाइट भी चलती है ना अंदर। Yeah, so this is like he, she and us. He, she and us. Yeah, so light inside, and when you shut this light goes off. हर चीज में लाइट है भाई, हर चीज में लाइट है। And then we have hanging lights to give some, you know, light effect. Basically, we use these while sleeping. We just keep them switched on for the mood. That's mood lights. Mood lights है यहाँ पर, होनी भी चाहिए भाई। चलो अब बाहर का एरिया देखते हैं, आ जाओ। Alright guys, this is the second washroom. मुझे इसके एस्थेटिक्स भी बहुत पसंद हैं। छोटू सा है लेकिन बहुत ही क्यूट है ना। एंड उसी के बगल में है मम्मी पापा का रूम, मैं अंदर आ रही हूँ। हाय हाय, ये देखो क्या आराम फरमाया जा रहा है। सामने टीवी, एकदम लीजर वाला रूम है मम्मी पापा का, कोजी कोजी सा यार। और ये देखो, ये हमारी फेवरेट फोटोग्राफ मम्मी पापा की, राघव की सगाई की है ये पिक्चर, ये सुरभि ने पोर्ट्रेट गिफ्ट किया था। वेरी नाइस, डू यू लाइक योर रूम? यस। डू यू लाइक योर हाउस, द न्यू रेनोवेटेड हाउस? यस। आपकी बहू ने अच्छा काम किया है? यस। चलो ऑफ कोर्स, सुपर्ब, बाय बाय। एंड फ्रेंड्स, अगर आप लोगों को लग रहा है कि हमारा घर इतना साफ सुथरा स्पिक एंड स्पैन कैसे है, तो मैं उसका रीजन दिखाती हूँ। छोटी सी झलक देख लो, ज्यादा नहीं। ये है हमारा पीछे का स्टोरेज स्पेस, तो जितना भी एक्स्ट्रा सामान है ना वो जाता है वहां। एंड नाउ सेविंग द बेस्ट फॉर द लास्ट, आ जाओ। ये है मेरी मम्मी का किचन एरिया भैया, बड़ी मेटिकुलसली डिजाइन करवाया गया है दोनों सास बहू ने। डिसाइड करने के बाद इस किचन को डिजाइन किया है, क्योंकि मेरी मम्मी की जो रिक्वायरमेंट्स थी वो बहुत स्पेसिफिक थी ना। yeah, for everything. Obviously, किचन में राज अभी तक इनका ही चलता है। But this is a modular kitchen that we've made here. What do we have here? So we can start from here. These are all hydraulic fittings which we have placed here. You just have to pull them and leave, and then they grow themselves inside. So that's how we do it. Nice. Then we have cutlery. ये क्या है? ये बहुत मजे की चीज है भाई। आलू प्याज टमाटर रखने की आपने ऐसी कोई ट्रे देखी है? This is wicker basket. What basket? Wicker. Wicker basket. Wow. और ये क्या है? This is pantry, so that where we can store a lot of stuff what we have.
भाई एकदम अंग्रेजी फिल्मों की याद आ गई इस पैंट्री को देखकर. मैंने अपने घर में नहीं इमेजिन किया था कि इतनी प्यारी सी पैंट्री होगी. और ये ऑब्वियसली मम्मी की गैस है. आज क्या बनाए खाने में? हाय हम सबका फेवरेट राजमा. क्या बात है. सो फ्रेंड्स ये ऊपर चिमनी लगी हुई है. आपको आदत पड़ गई है चिमनी के साथ काम करने की? बिल्कुल पड़ गई है. व्हाट? सेंसर बेस्ड चिमनी. वाओ फैंसी. सास बहू लग गई है खाने की तैयारी में. अब हम सब अपना लंच एंजॉय करेंगे. लेकिन अगर आप लोगों ने मेरा ये रेनोवेटेड हाउस का टूर एंजॉय किया है, यू नो यू हैव टू हिट द लाइक बटन, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल गरमाज गुड लाइफ. ऑल्सो सुरभि इज एन इंटीरियर डिजाइनर. उसकी कंपनी है वास्तविक डिजाइन. आई थिंक शी इज डन अ फैब जॉब हियर. इफ यू लाइक हर वर्क, इफ यू वुड लाइक टू गेट इन टच विद हर, मैं उसका इंस्टाग्राम हैंडल नीचे डिस्क्रिप्शन में छोड़ दूंगी. आप लोग वो भी चेक कर लेना. ओके बाय फॉर नाउ. लव यू ऑल.